किस राज में घी, मेरे राज में चाय मिली, अब सुलग सुलग के पी, गोरी सुलग सुलग के पी, गोरी सुलग सुलग के पी, गोरी सुलग सुलग के पी, पी पी पी। बोलो कृष्ण भगवान की, लड्डू चार कचौड़ी छह, और जाके बस स्टैंड पर ही पे ले ओले। तुम्हें खुदा ने बनाया है बड़ी फुर्सत से, भर दिया तेरे दिल में प्यार मेरी उल्फ से। अगर तू मुझ पे शैदा न होती तो तू ही बता कैसे पैदा न होती। इसलिए कहता हूं, अभी आप सुन रहे थे कि धीरे से नहीं, जोर से, जब भी हो जोर से, धीरे से क्या, अभी तक तो मुंह छुपाए छुपाए फिर रहे हो तुम, और जब ये आ गई तो सामने एकदम आके बैठ गए। अब तुम्हारा पैर भी सुबह तक सही हो जाएगा, क्योंकि मुर्गी की तरह यू ना आप कुड़कुड़ाइए, चच्चा अंडे ही अगर देना इनके दरबे में आइए। क्योंकि मुर्गाने चमन देते हैं सब झील में अंडे, रशीद मुर्गी वालों की तरफ से मुर्गाने चमन देते हैं, 10 रुपए दिए हैं उन्होंने, मुर्गाने चमन देते हैं सब झील में अंडे, कौवाला साहिबा देती है तहसील में अंडे। घर के हर कोने पे मकड़ी का जाला पड़ गया, ऐसी फुअर बीवी से हमारा पाला पड़ गया, खाते आई है ये अब तक के अंडे उधार, मेरी बीवी के पीछे देखो मुर्गी वाला पड़ गया। लेकिन लाओ, क्या बात है, लाओ ले ले आओ, घर घर जाओ, चच्ची तुम्हें बैठी है, लाओ 30 रुपए जोड़ा करो यार, 40 देंगे, 40 बच्चे होंगे। ये मेरी राधिका है, मैं इनका हैं कन्हैया, हाँ मेरे भैया कन्हैया चराते थे गैया। क्योंकि कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साधो साधो सबसे कहे गए मुलायम सिंह यादव, क्या कहे गए, बांट लो मिल के आधो आधो, क्यों, क्योंकि भैया एक है सावन एक है भादो, एक है सावन एक है भादो, और शरीर भाई ज्यादा बोझ न रुखसाना पिला, भैया तुम हूँ साधा, हम हूँ साधी और मुर्गी वाले चच्चा तुम हूँ साधा, इसीलिए तो कहा है कि मैं निकला
मरोड़ आया, कलाई मरोड़ आया, मैं इसकी स्टेशन के लोग और जो दूर दराज से आए हुए हैं, कैसे शेर देखे भैया। मैं मोहन, अरे मैं मोहन हूँ, ये राधा है, माखन चोर आया, मैं मटकी कहता हूं। क्या क्या कह रहे थे? मेरी माँ बहनों, हम जब भी आते हैं आप लोगों के हाथ जोड़ते हैं। हम आप लोगों के सामने कोई कलाकार नहीं है, ये अल्लाह की देन है।
कि हमको ऊंचे से ऊंचा बनाए हुए है, ये उसका लाख लाख एहसान है। शुक्रिया कैसे अदा करूं किस जुबान से। आप लोग भी आज के सुनती हैं, देखती हैं, मैं आपका भाई हूं, छोटा हूं, जो छोटी है मेरी बहनें उनसे बड़ा हूं। मेरी बहुत सी माँ बहनें हैं, बैठी हैं यहाँ पे, जो बहनें हैं ये मेरी बीवी है और इन लोगों की भौजी है। नहीं ना क्या है ना, देखो उन लोग भी कह रहे हैं। हाँ है, जब ही तो लेट आई है ये लेट हुई, ये लेटी थी ये लेट हुई, ये लेटी थी क्यों? इधर देखो कहाँ थी, कहाँ थी, शक्लें इन लोग की देखो आतंकवादियों से मिल रही। एक मसला याद आया कि 2 बजे रात में आई है, अल्लाह का एहसान है आ गई, बहुत बहुत मेहरबानी। मैं आपके में जी चरा पैर छू लूँ आगे, बड़ी मेहरबानी की। ये कितने सीधे लोग हैं अल्लाह की कसम, मध्य प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में फर्स्ट नंबर सिधाई ने। जो इज्जत जो शोहरत आप लोगों ने मुझको दी है पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। आप लोगों का बहुत बहुत मैं आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। जब ये 2 बजे रात में आई तो मैंने गाड़ी इनकी देख ली कि आ गई, बड़ा मजमा लग गया। एक मतला याद आया, ये जब तेरी, ये जब तेरी, ये जब तेरी, ये गाड़ी से तो ललके, ये ललके चिल्लाए भौचाल चाल आया विदेशी लाइए, शुक्रिया। 30, 100 रुपए मिले एजेंट साहब से। फिर किसकी तरफ? एलियन साहब की तरफ से 200 रुपए ये लीजिए। तो कब कह दो जरा। एक मतलब मुझे भी याद आया इनके आने पर। क्या मतलब? ये काला वो बारी, ये छोरा वो छोरी, ये माखन चोर आया, ये मुर्गी चोर इनकी उनकी बड़ी दोस्ती है। कह रहे हैं मेरे चचा को मुर्गी चोर आया। मुर्गी चोर, ये 50 रुपए लाए तुम्हें, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और कोई मुर्गा वगैरह हो तो इधर भेज देना। विनय भाई ने 50 रुपए दिए हैं, नटराज कैसेट्स वालों ने बरी की जानिब से इनायत हुए, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और कहता हूँ क्या, मैं नटखट खट नटखट नटखट खट 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 नटखट नटखट नटखट
नट नट खट मैं नट खट मैं नट खट। हेलो मैडम, मैं नट खट हूँ, गिरधारी हूँ, मैं कांधा हूँ, बलवारी हूँ, मैं नट खट हूँ, गिरधारी हूँ, मैं कांधा हूँ, बलवारी हूँ। राधा तो बस ये कहती थी, ए मोहन मैं तुम्हारी हूँ, इन्होंने बहुत परेशान किया कमेटी वालों को। चचा हमारे खाना नहीं खा रहे थे, जबरदस्ती मैंने खाना खिलाया उनको, कह रहे खा यार वो आएगी, ये चैलेंज मेरा कि आएगी, कहीं ना कहीं फंसी होगी बिचारी, मगर वो आई आई। लेकिन जब तक ये 2 बजे आई, अब 2 बजे दिनी में जाए तो ठीक है। मैं न टिकट हूँ गिरधारी हूँ, मैं कांधा हूँ बनवारी हूँ, मैं कांधा हूँ बनवारी हूँ। राधा बस ये कहती थी, ए मोहन मैं तुम्हारी हूँ, इस राधा की खातिर, इस राधा की खातिर, ये धरती पर, ये धरती पर, ये कलयुग में, ये गोपाल गोपाल मैं मटकी। ये नटराज वालों की तरफ से, विनय भाई के भाई उनकी तरफ से ये 25 रुपए इनायत हुए, शुक्रिया। एक मतलब मुझे और याद आया। हाँ बेशक बोलो, बेशक। जो रुखसाना बानो के साथ में हारमोनियम बजा रहे हैं, ये बनारस से कुछ दूर रहते हैं और इनके साथ प्रोग्राम करते हैं। एक दिन मैं इनके घर गया, जब ध्यान से सुनिएगा, जब इनके मैं घर गया तो इनकी बीवी किस तरह से इनसे बात कर रही थी, जरा सुनिए। किसकी बीवी? वो जो हारमोनियम बजा रहे रुखसाना बानो के साथ, उनकी बीबी उनसे क्या कह रही थी सुनिए। ये आया दारू पी के, ये आया दारू पी के, तो इसकी बीबी ये बोली, बड़ा लतखोर आया, कहां ये सर फोड़ बाजे वाले जो इनके साथ हैं, इनके चचा, इनकी बीवी कह रही थी बड़ा लतखोर आया, कहां ये सरफोड़ आया। तो जब ही मैंने कहा इस राधा की खातिर, इस राधा की खातिर, धरती पर ये कलयुग में ये गोपाल आया, मैं मटकी
मैं होश उड़ा कर रख दूं। मैं वो औरत हूँ कि शोला हलरस्ता मुझसे चाहूं तो आग को पानी में लगा कर रख दूं। नजारे बाजिया नहीं हूँ सरे आम कीजिए, इधर देखिए, कह रहे थे मैं कैसा लग रहा हूँ, ये कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल बुढ़ा बंदर देख लीजिए। लेकिन इश्क में आलू बुखारा हो गया, वो उधर वाला, इनका मुकाबला टीम से है। लेकिन इश्क में आलू बुखारा हो गया और सूख कर वो बिल्कुल छुआरा हो गया। नौजवानी में तो था वो पंजाब मेल और हुस्न ढलते ही खटारा हो गया। नजारेबाजियां नहीं हो सरे आम कीजिए, अरे आशिकों का नाम ना बदनाम कीजिए। नजारेबाजियां ए शरीफाज इधर देखो, नजारेबाजियां नहीं हो सरे आम कीजिए, अरे आशिकों का नाम ना बदनाम कीजिए। ये भी ना हो सके तो एक काम कीजिए, मुर्दों के साथ कब्र में आराम कीजिए। ये भी ना हो सके तो एक काम कीजिए, मुर्दों के साथ कब्र में आराम कीजिए। मर्दों के साथ कब्र में आराम कीजिए। लेकिन हुए हैं शेर शर्मिंदा मेरी ललकार के आगे, सुनिएगा, हुए हैं शेर शर्मिंदा मेरी ललकार के आगे, और कोई पहुंचे तो क्या पहुंचे मेरी गुफ्तार के आगे। मेरी रफ्तार को पहुंचे भला ये हौसला किसमें, खटारा जा नहीं सकता इस मोटर कार के आगे। अभी देखिए इनके बगल में जो इनके स्टेपनी बैठे हुए हैं, इनके अब्बा जान कैसे लिपट रहे थे दोनों, आप लोग देख रहे थे कैसे लिपट रहे थे, तो एक कथा याद आ गया, वो भी कह रहे थे क्या कि मुर्गी चोर आया, तो कहना है मेरा, सुनिए स्टेफनी साहब। हेलो हेलो, वो बागबान अजीब करिश्मे दिखा रहा है और किसी को हंसा रहा है किसी को रुला रहा है। वो बागबान अजीब करिश्मे दिखा रहा है किसी को हंसा रहा है किसी को रुला रहा है। जो लाए के गुल है गुल को तरसते रहे, वो गधा गुलाब सूंघ के हलचल मचा रहा है। वो गधा गुलाब सूंघ के हलचल मचा रहा है, क्या बात है, गधा गुलाब सूंघ के हलचल मचा रहा है। लेकिन अभी देखिए बार बार ये कह रहे हैं कि ये 2 बजे आई हैं, ये 2 बजे आई हैं, और ये अभी इनसे मेरा प्रोग्राम था कलकत्ता में, वहाँ ये 1 बजे पहुँचे थे। ये तो खैर मनाओ कि वहाँ की पब्लिक, भाई यहाँ की पब्लिक तो हमें इज्जत दी, मैं 2 बजे आई, लेकिन ये वहाँ पहुँचे कलकत्ता में, वहाँ की पब्लिक इनको बहुत मारी और ये भाग गए। रात भर मुझे अकेले गाना पड़ा, क्यों, सही बात है ना, इसीलिए तुम्हारा चेहरा एकदम सूखा पड़ गया है, देख लो आग मार रहे हो, काने हो जाओगे तो तुम्हारे होते होते काने हो जाओगे, तुम्हारे प्यार में तो होंगे काने, और कैसे होंगे, हमारे प्यार में, हमारे प्यार में सूखे हो जाओगे, ओ हो तो गए, एकदम हो गए तुम्हारे प्यार में। गधा गुलाब सुन के हलचल मचा रहा है, अभी कह रहे हैं तुम्हारे प्यार में हम पागल हो जाएंगे, कह रहे थे कि मुझको दीवाना बना दिया ये लड़की ने, पागल बना दिया। तो कहना है इश्क का गम जो सहने की ताकत नहीं, तो अमल मेरी बातों पे कर जाइए। इश्क का गम जो सहने की ताकत नहीं, इधर देखो, इधर देखो, किधर देख रहे हो, यहाँ सब देख रहे हैं, उधर। इश्क का गम जो सहने की ताकत नहीं, अमल मेरी बातों पे कर जाइए। इस तरह रोने धोने से क्या फायदा, जहर खा लीजिए खा के मर जाइए, जहर खा लीजिए खा के मर जाइए। लेकिन बात गलियों की सुनाई थी मेरी हमजोली, मन चला चल पड़ा गोकुल में मनाने होली। अभी देखिए कह रहे थे कि मैं कृष्ण हूँ और इनको राधिका समझ लीजिए, ऐसे ही कृष्ण जी थे, अरे मटक रहे थे स्टेज पे, डांस कर रहे थे, बिल्कुल नाचते हैं,
और क्या, राधा के प्यार में पहले दांत साफ करो। हाँ ला ब्रो, जाओ ब्रश से साफ कर लो। अरे दो दे, तो पानी भी तो दो तुम। पानी पानी तो बहुत है। हाँ तो दे दो सबको, डूब जाओगे पानी में। डूबे तो पड़े हैं, तैरने लगोगे। सही बात करो बहू का। बात कलियुग की सुनाई थी मेरी हमजोली, मन चला चल पड़ा गोकुल में मनाने होली। किसी के गाल पे रंग डाल के मुस्काता था, और किसी को बाहों में लेने को तरस जाता था। लोग कहने लगे है कौन, कहां से आया, और एक पुलिस वाले ने पहचान के ये बताया क्या के गालों पे। अभी देखिए साहब, आप लोग सुन रहे थे इनसे, कह रहे थे विदेशी माल आया। मैंने इनको कुछ नहीं कहा, लेकिन ये मुझे ना जाने क्या क्या कह डाले, तो मेरा क्या कहना है सुनिएगा। एक पुलिस वाले ने पहचान के ये बतलाया क्या गालों पे मरता है, अजी गालों पे मरता है, और ये आशिक लगता है ये छिछोर आया, अजी छोर आया ये जूता खोल। क्या करें, इन्होंने सवाल कर दिया तो जवाब देना तो जरूरी है। दूसरे का मतलब मत बोला करो, समझे हाँ। क्या कहना है, ये जूता खोर आया कैसे, गांव में ऐसी ही मार पड़ी, गांव में ऐसी ही मार पड़ी। देखिए कह रहे थे कि यहाँ की पब्लिक बहुत अच्छी है, आप लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। हाँ बेवकूफ बना रहे थे। क्या कहना है सुनिएगा, कि गांव में ऐसी मार पड़ी, गाँव में ऐसी मार पड़ी, ये शहर में आके लेट गया, गाँव में ऐसी मार पड़ी, ये शहर में आके लेट गया, सब अपनी करनी बदलाया, सब अपनी करनी बदलाया, जब पुलिस का आधा पेट क्यों लगाते हैं, सुनिएगा। पाते ही एक मौका, अजी पाते ही एक मौका, हॉस्पिटल से भागा ये चोर आया, ये चोर आया, ये जूता खोरा। Thank you.
मेरा इनसे कहना है, सुनिए शरीफ साहब, मुर्गा भी बना सौ बारी अभी आप लोग इनका एक्शन देख रहे थे, तो कहना है मुर्गा भी बना सौ बारी और कमर से कुबर हो गया स्टेशन के पैकेट मार लग रहे हैं, देख लीजिए, अंडे में रहोगे ना पराठे में रहोगे और इनसे उलझोगे तो घाटे में रहोगे। क्या बात है, क्या बात है, ये पक्का पैकेट मार है, ये पक्का पैकेट मार है, सब कहते ये पक्का पैकेट मार है, कहते हैं जेब कट लोग इसे, जब कभी ये पकड़ा जाता है, जब कभी साहब, जब कभी ये पकड़ा जाता है, कर देते हैं पट लोग इसे, लगता है, टोपी वाले साहब, लगता है जब नंबर लगता बन रहे हैं अपने आप को औरत के मुकाबले में कवाली गा रहे हैं और मूंछ भी बड़ी शान से रखी हो, मूंछ कटवा दो अपनी, अस्तुरा तो मेरे पास है, कटवाए अस्तुरा इनके पास भी है तो पकड़ लो, लाकर दो आगे। हाँ साहब, लगता है जब नंबर तो कहता है रोकर किस ओर आया, कैसे, एक नज़्म सुनिए, सरापा हसी हुस्ने नूरे मुजस्सम, मैं शोला बदल और रातों की शबनम, हमीने तो भौरों को दी है जवानी, हमीने तो कलियों को दी जिंदगानी, हमी से है कौन इनकी सारी सीनत, हमी से है नफरत, हमी से है उल्फत, फरिश्ते मेरा नक्शे पांच झूमते हैं और मुझे देख कर इस कदर झूमते हैं, हसीनों में थी देख सुल्ताना बेगम, बदों की कहानी थी सीता व मरियम, के खुदा हम हसीनों को सांचे में ढाला, जमीन से फलक तक मेरा बोल बाला, मोहब्बत की बुनियाद कायम है हमसे, जमीन और फलक सारा आलम है हमसे, पढ़ा है नहीं माई हवा की बरत, पढ़ा है नहीं फातिमा की हकीकत, हसीनों पे हरगिज न तू शैदा होता, ए शरीफ परवाल, हसीनों पे हरगिज न तू शैदा होता, तो मुझसे बता कैसे तू पैदा होता,
बता बता। वहीं से जहाँ से सब निकले हैं। कैसे पैदा होता? अरे वहीं से जहाँ दिल से पैदा होता, जैसे अनाज पैदा होता। यही पैदा हुआ, यही पैदा हुआ। हसीनो प्यार किस न तू शैदा होता, तो मुझसे बता कैसे तू पैदा होता। मैं हूँ नेक बीवी, मैं हूँ पाक औरत, ये नापाक आशिक की दुनिया में शोहरत। जमा मर्द थी पुतली भाई की हिम्मत, चुप रहो अपने टन में बोला करो। चुप है, चुप चुप है, चुप। अच्छा आज पता चला कि तुम लड़के हो। चुप। वाह गधैया, गधा। और बोलो हनुमान की मैया, क्या बात है मेरे पिल्ले। हाँ बोल कुतिया। बकरी का बच्चा। हाँ हाँ खा ले कच्चा। अपने टन में बोला करो, तो गाओ ना। गंदी आदत है। गाओ 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 गाओ, अपने से अपना प्रोग्राम मत खराब किया करो। क्या करें फिर, गलत गलत बोल और बोल रहे इसको। गलत नहीं, तुम गलत मत बोला करो, सही बोला करो। हाँ हाँ मालूम है, तो अम्मा हो ना मेरी। कुछ स्टैंडरी बना के भी रखा करो। चलिए आप सीखेंगे तुमसे। लोफड़ों की तरह इधर उधर घूमते रहते हो। हाँ मड़वाड़ी में। चुप रहो, चुप चुप। हसीनो प्यार किस न तू शैदा होता, तो मुझसे बता कैसे तू पैदा होता। मैं हूँ नेक बीबी, मैं हूँ पाक औरत, ये नापाक आशिक की दुनिया में शोहरत। जवां मर्द थी पुतली बाई की हिम्मत, जमाने में है झांसी रानी की शोहरत। वही जोश है मेरे सीने के अंदर, और कहां जाओगे मेरे जलवों से बचकर। फतेह जंगे कुंदूर किसने किया है, बता औरतों को जोश किसने दिया है। अगर हम पे मरते हो मर के दिखा दो, अभी कह रहे थे पागल बना दिया, तो कहना है अगर हम पे मरते हो मर के दिखा दो। नहीं नाम मर्दों से अपना कटा दो, कटा दो, कटा दो नहीं भाई हटा दो। अगर हम पे मरते हो मर के दिखा दो, टोपी वाले साहब। नहीं नाम मर्दों से अपना हटा दो, हसीनों के दिल में सवर का है प्याला। खुदा तेरा मुंह आज कर देगा काला, मेरे प्यार में सुन झमेले बहुत हैं, और तेरे जैसे घर मेरे चेले बहुत हैं। मेरे प्यार में सुन झमेले बहुत हैं, तेरे जैसे घर मेरे चेले बहुत हैं। तुझे हर रविश को बदलना पड़ेगा, शराफत के साचे में ढलना पड़ेगा। मेरे जलवों में है वो बरके तजल्ली, जला दूंगी नजरों से ये बज्म महफिल। ये बज्म मोहब्बत मेरी याद कर ले, नदामत से चल अपने मुंह को छुपा ले। न कर ऐसे हुज्जर खलीले हजी से, न टकरार करना तो फिर हम नशी से। लहद में तेरा कौन साथी मिलेगा, फरिश्तों को तू कैसे राजी करेगा। हसीनों का दुनिया में है बोल बाला, और हमारे ही दम से है हर सू उजाला। इसलिए कहना है दो चार लफंगे आज भी, बजा रहे हैं। दो चार लफंगे आज भी है इसके चक्कर में पड़े, लानत है ऐसे मर्द पर, लानत है ऐसे मर्द पर जो अपनी हद से गिर पड़े। लानत है ऐसे मर्द पर जो अपनी हद से गिर पड़े।
क्या होता।